शाहजहाँपुर कलेक्टर और नगर पालिका सीएमओ ने सफाई अभियान का जायजा लिया और नदी में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि चिलर नदी पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के सामाजिक और गणमान्य नागरिकों ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि नदी की साफ सफाई के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। शहर के जो मुख्य नाले हैं जो चिलर नदी में प्रवाहित हो रहे हैं, उनको भी सीवरेज लाइन बनने के बाद अक्टूबर तक बंद कर दिया जाएगा, जिससे चिलर नदी साफ स्वच्छ हो जाएगी। 1 जून से सामाजिक और जितने भी हमारे यहाँ के समाज सेवी संगठन हैं, जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया था और अभी इसको लगातार 2 हफ्ते से चल रहा है। नगर पालिका से भी हम लोगों ने कुछ संसाधन लगाए हैं और कोशिश की है कि इसकी एक बार अच्छे से साफ सफाई कर दी जाए। चिलर नदी की तो अभी दिख तो रहा है साफ सफाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी इसको हम लोग जब तक अभी बारिश नहीं आ रही है तब तक और इसमें जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। और आपके माध्यम से मेरा लोगों से भी ये कहना है कि इसमें बहुत सारी पॉलीथीन और कचरा लोग डाल रहे हैं, तो अगर ये कचरा और पॉलीथीन वगैरह नहीं डालेंगे तो ही इसको हम लोग स्वच्छ रख पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि बार बार इसको साफ करते हैं, बार बार लोग इसमें कचरा डालते हैं, तो व्यवस्था कर रहे हैं कि इसके किनारों पर हम लोग कुछ डस्टबिन वगैरह बड़े बड़े रखेंगे।